अस्सलाम वालेकुम यम्मी कुकिंग रेसिपीज़ में वेलकम। वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकॉन पर भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो आज मैं आपको बना सिखाऊंगी आलू के कटलेट। तो चलें फिर स्टार्ट करते हैं। आलू लिए हमने यहाँ पर 5 अदद। इसको जो है हमने बॉयल करके इसको मैश कर लिया। ब्रेड क्रम्स है हमारे पास यहाँ पर ज़रूरत के मुताबिक। 3 टेबल स्पून हमने यहाँ पर हरा धनिया लिया है। 1 टीस्पून हमारे पास ज़ीरा है। 1 टीस्पून हमारे पास चिली सॉस है। 2 अदद हमने यहाँ पे अंडे लिए हैं। 1 टीस्पून हमारे पास हल्दी है और 1 टीस्पून हमारे पास पिसी हुई लाल मिर्च है। सबसे पहले हम जो हमारे पास मैश किए हुए आलू हैं उसके अंदर जितने भी स्पाइसेस हैं हमारे पास मसाला वो सब ऐड करेंगे। सबसे पहले तो हम ज़ीरा ऐड करेंगे, पिसी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे, हल्दी ऐड करेंगे और हम इसके अंदर चिली सॉस भी ऐड करेंगे और इसको जो है अब हम मिक्स कर लेंगे। हमने जो इसे मिक्स कर लिया, अब जो हम इसके अंदर नमक ऐड करेंगे ज़रूरत के मुताबिक और जो है हम इसके अंदर हरा धनिया ऐड कर लेंगे और इसको भी जो है अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमने जो है इसे जो है ना अच्छे से मिक्स कर लिया था। अब जो हम इसके कटलेट जो है वो रेडी करेंगे। आपकी मर्ज़ी है, आप कोई किसी भी जो है शेप का जो है कटलेट जो है बना सकते हैं। ये देखें इस तरीके से हमने बना लिया और इसको अब हम प्लेट में रख देंगे और इसी तरीके से जो है हम बाकी सब रेडी करेंगे। देखिए हमारे जो कटलेट्स हैं वो बिल्कुल रेडी हुए हैं। हमने जो है सब जो है रेडी करके जो रख लिए। जो है हमने यहाँ पे जो हमारे पास जो यहाँ पे अंडे थे उनको जो है हमने बीट कर लिया है और यहाँ पे हमारे पास जो ब्रेड क्रम्स हैं अब जो है हम कटलेट्स की जो है कोटिंग करेंगे। तो ये देखिए अंडे जो थे यहाँ पर हमारे पास इनको जो है हमने बीट कर लिया है और अब जो है हम इन कटलेट्स की जो है कोटिंग करेंगे इससे ब्रेड क्रम्स और एग से। सबसे पहले अंडे में डिप करेंगे कटलेट्स को एक और ब्रेड क्रम्स में डिप करेंगे और इसको जो है यहाँ पे अब रखते जाएंगे जो है अब हम सब रेडी कर लेंगे। ये देखिए ये सब जो है हमने रेडी कर लिए हैं। अब जो हम इनको जो है फ्राई करेंगे। हमने जो इसके अंदर 1 कप जो है ऑयल ऐड किया था तो ये देखिए ये एक साइड से जो है अच्छे से ब्राउन हो चुकी है। अब जो है हम इनकी जो साइड चेंज करेंगे। देखिए हमने जो इसकी जो है साइड जो है चेंज कर दी है। अब जैसे ही ये दूसरी तरफ से भी गोल्डन ब्राउन हो जाएगा फिर जो है हम निकाल लेंगे इसे। ये देखिए ये रेडी हो गए हैं। अब जो है मैंने निकाल लेंगे। इस तरीके से जो है सब रेडी कर लेंगे। हमारे मज़ेदार से जो आलू के कटलेट्स हैं वो बिल्कुल जो है रेडी हो गए। हमने जो यहाँ पे इसके साथ केचप लिया है, आप चाहे तो ग्रीन वाली जो चटनी होती है वो भी ले सकते हैं। और मैं दिखाती हूँ आपको ये कि कैसे बने अंदर से। ये देखें
ये बहुत क्रिस्पी बनते हैं। आप इसे अपने घर में जो है ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी। अगर पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। अब मैं आपको मिलूँगी अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।